आज की खास मुलाकात में हमारे मौजूद हैं मोहिता शर्मा जी, जो कि SDPO बड़ी ब्रह्मणा हैं और कौन बनेगा करोड़पति से जो है 1 करोड़ रुपया जीता है इन्होंने। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ एयर इंडिया में। थैंक यू। मैम 1 करोड़ की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आपकी जर्नी की बात करेंगे। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से? जी KBC की जो भी जर्नी है उसका सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी KBC में जाऊंगी, ना ही मैंने कभी रजिस्टर किया था इसके अंदर। मेरे हस्बैंड पिछले 20 सालों से ट्राई कर रहे थे, जब से KBC जूनियर आने लगा था तब से वो ट्राई कर रहे थे KBC में जाने का। बट इस बार जब हम लॉकडाउन में थे और रजिस्ट्रेशन ओपन हुए KBC के, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम भी रजिस्टर कर दो, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। जी कितना समय जो है इस सब में बीता, ये पूरा इसकी तैयारी के लिए? मैं कहूँगी कि मैंने इसके लिए कोई ख़ास तैयारी अलग से की नहीं थी, क्योंकि जो मेरा काम है उसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ऐसे अलग से पढ़ने का और इन चीज़ों के लिए। बट जो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके जो मैं IPS बनी हूँ, उसका ही एक फाउंडेशन मैं मानूँगी कि ये बनी है। और बाकी जितना 5 दिन हम क्वारंटाइन हुए थे मुंबई में जाके होटल में, तो उसी में मैंने थोड़ा बहुत रिविज़न कर लिया था, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह था वो रिवाइज़ कर लिया था। इससे ज़्यादा मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इसके लिए अलग से। मैम जिस तरह से अगर बात करें हम, महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप एज अ SDPO बड़ी ब्राह्मणा होते हुए तो इस तरह से मतलब 1 करोड़ जीतना, तो कैसी खुशी, क्या एहसास होता है? बहुत अच्छा लग रहा था तब, सपने जैसा ही था, समझ नहीं आ रहा था कि सपना है या हकीकत है। बट जब एक्चुअली में AB सर ने अपने आइकॉनिक वे में वो अनाउंस किया 1 करोड़, तो उसके बाद देवर गूस बम्स, एंड देन आई रिमेम्बर मैंने उनसे पूछा था कि मैं 2 से पानी के पीना चाहूँगी, क्योंकि वो नहीं यकीन हो पाता है तब कि ऐसा कुछ हो गया है जी। बाद में ही सिंक इन किया था। मैम जिस तरह से मतलब आपके हस्बैंड ने भी पिछले 20 साल से जो है ट्राई किया था, बार बार ट्राई किया था, तो इसके पीछे राज क्या था, मतलब वो क्या चाहते क्या थे असल में, मतलब पैसा कमाना या नाम कमाना? जी मैं कहूँगी जब उन्होंने KBC जूनियर में ट्राई करना शुरू किया था, तो आई थिंक वो 5th या 6th क्लास में थे, तो तब एक बच्चे को कुछ पैसे वगैरह और इन सब का कोई वो नहीं पता होता है। बट जो वो उन्होंने अपने शो पे भी बताया कि KBC जूनियर में वो जब आता था शो, तो जो भी बच्चा वहाँ पहुँचता था हॉट सीट पे, तो उनको एक पर्सनल कंप्यूटर दिया जाता था। तो मेरे हस्बैंड वो कंप्यूटर के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि उन्हें भी वो कंप्यूटर मिले, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके स्कूल में रहते थे तो वो कंप्यूटर ज़रूर उनको वो चीज़ के लिए अट्रैक्ट करता था। एंड उन्होंने ये भी शो पे बताया था कि जैसे जब पढ़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स कई बारी केबल वगैरह जो है वो पीछे से कटवा देते हैं, बट क्या कुछ शोज़ ही हैं जिसको वो उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि ये आप देख सकते हैं। तो KBC वॉज वन ऑफ द शो, क्योंकि वो एक क्विज शो है, एक बच्चे के लिए उसके पढ़ाई के अंदर भी हेल्प करता है और उनका GK लेवल बढ़ाता है, तो उनके पेरेंट्स ने भी हमेशा से उनको पढ़ाई में इस तरीके से मोटिवेट किया था, तो ये शो के लिए इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है हमेशा से। एक ज़िद जो उन्होंने एक पार रखी थी पिछले 20 साल से, वो आपके द्वारा जो है उनकी ज़िद जो पूरी हुई? मैं ज़िद नहीं कहूँगी, एक सपना ही कहूँगी कि मैं उनका सपना पूरा करने के लिए एक ज़रिया बन गई, और सपना तो उन्हीं का ही पूरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। जी मैम अब आगे का फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब किस तरह से क्या करना है, इन पैसों का कुछ सोचा है? पैसों का तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है, जो भी होगा वो फैमिली की कंकरेंस से ही किया जाएगा। और बाकी मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो यही है कि मैं अपने सर्विस में हूँ और उसी में ही मैं अच्छा काम करके अपना एक पहचान बनाना चाहूँगी कि मैंने अपने पुलिसिंग में अपना नाम, अपनी वर्दी का नाम रोशन किया। जी मैम थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा जानकारी मिल पाए, आप कहाँ से हैं, कहाँ पे आपकी मैरिज हुई है, कैसे किस तरह से स्कूलिंग कहाँ पे हुई है? जी एक्चुअली मैं मतलब ट्रेडिशनली नेटिव जो है वो मेरा हिमाचल में है, कांगड़ा में, और पर मेरी सारी अपब्रिंगिंग जो है वो दिल्ली से ही हुई है। मैं पहले सेंट मार्क्स में पढ़ती थी 5वीं क्लास तक, उसके बाद मैंने आगे की स्कूलिंग जो है वो DPS द्वारका से करी थी, देन आई वेंट इनटू BTech इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। उसके बाद मैंने 1.5 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम किया था, और वहीं पे रहते रहते मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है क्लियर किया, और 2019 में ही हाल ही में पिछले साल ही मेरे मतलब शादी हुई है, और मेरा जो ससुराल है वो मोहाली में है। जिस तरह से आपको जो आप 5 अटेम्प्ट्स इसमें आपको करने पड़े, तो इतना मतलब क्या लगा आपको कि मेरे को IPS करना ही करना है?
मतलब मैं कहूँगी कि जब ये एक ज़िद आ जाती है, जब ज़िद भी नहीं कहेंगे कि एक बारी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगें तो हर बारी यही लगता है कि उसके और पास पहुँच रहे हैं, उसके और पास पहुँच रहे हैं, तो एक सपना बन जाता है कि वहाँ तक पहुँचना है। जब इतनी मेहनत कोई पुट इन करता है पूरे एक साल तक, नहीं भी हो पाता, निराशा ज़रूर होती है, पर फिर भी अंदर से ये आवाज़ ज़रूर होती है कि हम इतना आगे तक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे, तो वो गिव इन करने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता है। तो और अगर कभी ऐसा हुआ भी था तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट सच मोटिवेटिंग पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे कभी गिव अप करने भी नहीं दिया। तो उसी वजह से मैं कहूँगी हमारे सबके, मेरे पेरेंट्स का, मेरे एफर्ट्स की वजह से ही आज मैं IPS बनी हूँ। जी, आपके हस्बैंड भी अपने आप को काफ़ी लकी समझते होंगे जो आपका साथ उनको मिला? मैं कहूँगी हम दोनों एक दूसरे का साथ पाके बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ये चीज़ के लिए मुझे नहीं मोटिवेट किया होता तो मैंने KBC नहीं किया होता, और ऑफकोर्स मैंने KBC किया तो फिर वो भी आज अपने आप को लकी महसूस करते होंगे। तो एज अ टीम वी आर वेरी स्ट्रांग टुगेदर, आई कैन से दैट टच फुड। सो या मैम, एक मैगी जो उसमें दो मसाला सैशेज निकलना, वो पूरा क्या था, लम्हा क्या था वो? दैट वॉज अ प्योर कोइंसिडेंस, ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और अगर ये भी नहीं सोचा था कि अगर ऐसा ट्विटर पर डालूंगी तो वो वायरल एक न्यूज़ बन जाएगा। बट जिस दिन ये एपिसोड एयर हुआ 17 तारीख को, तो उसके बाद एपिसोड एयर होने के बाद बहुत सारी न्यूज़ आने लगी, तो हम देखने लगे बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों देखने लगे, तो देखते देखते 2 बज गया रात का। तो फिर थोड़ा भूख लगने लगा, तो सबसे पहले हर किसी के जहन में ये याद है कि चलो मैगी बना के खा लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने पैकेट खोला तो फिर उसमें से 2 सैशेज निकले थे, एंड आई टर्म इट एज अ प्योर कोइंसिडेंस ओनली। तो फिर मैंने वो डाल दिया था ट्विटर पे, नेवर थॉट इट विल गो वायरल। जी, ऐसा आपके साथ ही हुआ और किसी के साथ होता नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग अचंभित हैं इससे भी। तो मैम, जम्मू कश्मीर पुलिस में यहाँ पे आपकी पहली पोस्टिंग है? हाँ जी, मेरा एक्चुअली कैडर जो था वो इनिशियली मणिपुर हुआ करता था, तो शादी के बाद हमें ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को ये एक प्रोविज़न है कि हम अपने हस्बैंड के कैडर या वाइफ के रिस्पेक्टिव कैडर में जा सकते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के कैडर में आई, तो ये मेरी पहली पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर। जी, तो मैम, जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं जो है बाहरी राज्यों में थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, आतंकवाद है, गुंडागर्दी है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिला इस तरह का? ये जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ बड़ी ब्राह्मणा, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ पे जो क्राइम्स मुझे देखने को मिलते हैं आए दिन वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। ये थैंकफुली यहाँ पर इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं है, पीसफुल है इस रिस्पेक्ट में। तो जो रोज़ के मेरे को क्राइम्स देखे हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वायलेशन, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, इलीगल ड्रग्स, इलीगल लिकर या माइनिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। एंड देन देयर इज़ लैंड एनक्रोचमेंट इशूज़, वुमेन रिलेटेड इशूज़ बहुत सारे हैं, तो यही वाले क्राइम से ज़्यादा भी मैं ड्रील कर रही हूँ रोज़। मैम, आगे जो चुनौतियाँ आने वाली हैं, पोस्टिंग आपकी कश्मीर में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, तो उन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जैसे जब हम अपना एग्ज़ाम देते हैं और भरते हैं कि हमें IPS चुनना है, तो तभी एक माइंड सेट होता है कि हमें कहीं पे भी पोस्टिंग भी मिल सकती है, कहीं पे भी रहना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है और काम करना पड़ सकता है, तो इन चैलेंजेस के लिए हम तभी से तैयार होते हैं, तो इसके लिए तो हम ऑलवेज रेडी थी। मोहित मैम, आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग है यहाँ पे, अभी पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारे इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं कि करप्शन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, क्या कुछ आपको भी यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि कुछ इस तरह की जो ये एक करप्शन नाम की एक जो है ना जड़, ये कुछ यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे है कुछ थोड़ा सा? मैं अपने अगर ऑफिस की बात करना चाहूँ तो मैंने अपने ऑफिस को हमेशा, मतलब ऑल दीज थिंग्स इट स्टार्ट विद योर सेल्फ, तो जहाँ तक मैं अपनी बात कर पाऊँगी इसके अंदर, कि मेरा ऑफिस इस चीज़ के अंदर टोटली क्लीन है और वो हमेशा ही रहेगा। वेयर आई विल बी पोस्टेड, आई विल ऑलवेज इंश्योर कि इट इज़ करप्शन फ्री, जीरो करप्शन ऑफिस, एंड आई विल बी अ नो नॉनसेंस ऑफिसर फॉर एज फार एज करप्शन इज़ कंसर्नड। तो वही है जो मैंने अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एंड आगे भी वही करना चाहूँगी। यहाँ पे आपने तो किया है, लेकिन बाकी जगहों पे आसपास में भी तो देख रहे होंगे ना? जी, वो तो देखते ही हैं, और उसके ऊपर फिर हम कार्रवाई भी करते हैं। कई बार ऐसे इनिशियली इंडस्ट्रीज़ वगैरह की सीलिंग भी करी है मैंने, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें देखने को, बहुत सारे वायलेशंस देखने को मिले थे। तो इट्स माय फर्स्ट पोस्टिंग एंड आई एम यू नो टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स इट, बट यस, आई विल इंश्योर कि दिस थिंग्स नेवर हैपन एटलीस्ट इन अंडर माई जुरिसडिक्शन। जी मोहित मैम, अब थोड़ा सा हम फिर वहीं पे जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को देखना भी एक सपना है,
तो कैसा लगा जब वो आपके सामने आए एकदम से? जी, पहली बार उनको देखा था तब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही खेल रहे थे और उन्होंने आके अपना जैसे अनाउंस करना शुरू किया तो वी वर ऑल इन ऑ कि हम देखते ही रह गए उन्हें। जैसे उनका करिश्मा ही ऐसा है कि कोई भी उनको देखता ही रह जाए, तो वही हुआ था मेरे साथ भी और आई बिलीव सभी के साथ यही हो रहा होगा। बट जब हॉट सीट पर आके बैठे और उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि कंटेस्टेंट जो है वो टोटली काम और कंपोज हो जाए। वो इतने अच्छे से बातें करते हैं। जब मैं आई हॉट सीट पे हम मेरे से पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, मेरे हस्बैंड से उन बातचीत करी, हमारी सर्विस के बारे में पूछा, बहुत सारी बातचीत होती गई तो आई वाज टोटली रिलैक्स व्हेन आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ये 15वां क्वेश्चन जिसने आपको 1 करोड़ जिताया है, ये क्या था और इसका जवाब क्या था? ये एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू एक एक्सप्लोजिव जो कि यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर के अंदर और वो बनाया गया था इनिशियली। तो वो यही क्वेश्चन था कि वो कौन सा एक्सप्लोजिव था जो कि पहली बार ही यूज़ किया गया था, तो उसका जवाब RDX था। मैं नहीं जानती थी इसको बट मेरे पास 2 लाइफलाइंस ऑलरेडी इंटैक्ट थी 1 करोड़ के क्वेश्चन पे भी, तो मैंने एक्सपर्ट एडवाइस यूज़ किया था वहाँ पर। जी। तो जो 17वां मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें आपने क्विट कर दिया, वो क्या था और उसका जवाब जब आपको पता चला तो आपको लगा कि नहीं मैं इसका जवाब दे सकती थी, मैंने लॉस हुआ? हाँ जी, एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो एक शिप से रिलेटेड था जो कि आज भी मतलब एक म्यूजियम की तरह यूज़ हो रही है। आई वाज कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस और उसमें से एक ही जवाब था, बट मैं जितना जो मेरा इंक्लिनेशन था वो गलत जवाब की तरफ ही था, तो आई एम हैप्पी कि मैंने क्विट कर दिया वहाँ पे। हाँ जी। मैम, डिपार्टमेंट का कितना इसमें सहयोग रहा आपके डिपार्टमेंट? जी, डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा क्योंकि उन्होंने मुझे इस यहाँ जाने की, यहाँ खेलने की उन्होंने मुझे परमिशन दी तो ही मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी टू नो जब मैंने उनको इनिशियली बताया कि मुझे KBC से कॉल आया, बहुत खुश थे, बहुत सपोर्ट किया सभी ने, SSP सर, DIG, IG सर, DG सर, सभी को पता था और बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ के लिए। जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ की आवाम को भी और ख़ासकर महिलाओं को? महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रोज़ मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है उनके साथ, दे आर नॉट गिवन द रिस्पेक्ट दैट दे एक्चुअली डिज़र्व। तो उनके फैमिलीज को यही कहना चाहूँगी, उनके इन लॉज को, उनके हस्बैंड्स को, कि ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट एनी लेसर mortals than their husbands, उनको वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करती हैं। और पेरेंट्स को उनके ये कहना चाहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, अनकंडीशनल सपोर्ट दें अगर वो किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ का फेस कर रही हैं अपने इन लॉज के घर पे, तो उनको विक्टिम्स ना बनने दें, उनके साथ दें, यही कहूँगी। मैम, आपने एक अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी एक बात शेयर की थी कि आपने अभी तक जो है हाथ उठाना तो दूर है, किसी को बैड लैंग्वेज से बात भी नहीं की है, तो ये सारा क्या मतलब पुलिस में जब आप जाते हैं तो एक रोब रुतबा जो होता है और वो जो मारना या कुछ भी लैंग्वेज यूज़ करना वो एक पुलिस का एक हक भी है एक तरह से? नहीं, वो पुलिस का कोई हक नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कहीं किसी CRPC कुछ लोग में, कुछ लोग मानते हैं ना, कुछ लोग मानते हैं, वो एक ऐसी प्रथा बन चुकी है जिसे चेंज करना मैं मानती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। और ये बात सच है, मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, ना ही कभी किसी को कोई अपशब्द कहा है और मैं यही कंटिन्यू करना चाहूँगी। बट यस, आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन पेपर, अगर मुझे इस तरीके से कोई भी क्राइम दिखता था आई इम्पोज स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द पनिशमेंट दैट आई कैन डू। एंड वो मैंने देखा है कि अगर ऐसा करती हूँ देन लॉ इट एक्चुअली टेक्स इट्स कोर्स एंड द विक्टिम ही गेट्स जस्टिस। एंड हमारा जो पर्पज़ है वो विक्टिम को जस्टिस दिलाना है, इफ़ दैट इज़ मीटेड आउट प्रॉपरली देन आर वर्क इज़ डन। मैम, कोई केस आपके पास ऐसा आया है जिसमें महिला जो है कोई झूठा आरोप लगाती हैं या कुछ इस तरह का कोई केस आपको देखने को मिला है जिस तरह से महिलाओं को ही ज़्यादा जो है मतलब दिखाया जाता है कि ये शिकार हुई हैं, तो कुछ ऐसा कोई केस देखा आपने? ऐसे केस आते रहते हैं और ये केस जो है आई रिमेम्बर वो मणिपुर में आया था जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी मेरे पास जिसने झूठा आरोप लगाया था, वो मर्डर कर आई थी एक बंदे का और वो आके अपने आप को विक्टिम दिखा रही थी, बट जैसे ही वो हमें पता चला कि ऐसे तो प्रॉपर एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हर। जी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मुबारक हैं आपको। चलो, ये थे हमारे साथ मोहिता शर्मा जी जो कि SDPO बड़ी ब्रह्मणा हैं और 1 करोड़ रुपया जीता है इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से, और अपने व्यूज़ जो हैं सारा सफ़र जो है वो हमारे साथ साझा किया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।